अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो आज फिर जुमे का दिन है और मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा एक मैसेज छोटा सा शेयर करूँगी, जैसा कि हर जुमे के दिन मैं करती हूँ। सो आज का जो मैसेज है वो ये है कि हमें दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी है, क्योंकि जब हम दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद आसानियाँ पैदा होती हैं। हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा। क्या आपने या फिर मैंने या फिर हम सब ने मिलकर कभी सोचा है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ हमारे हुक्मरानों ने अपने बारे में सोचा सबसे पहले, तो उसके बाद हमारी आवाम ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया कि सही है, अगर वो नहीं मुल्क के बारे में सोच रहे तो हम क्यों सोचें। हम इंडिविजुअलाइजेशन का शिकार हो गए और हम ऐसा इंडिविजुअलाइजेशन का शिकार हैं कि हम किसी के बारे में नहीं सोचते। सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम और हमारे घर वाले कहाँ पे किस क्राइटेरिया पे उतरते हैं। हम अपना पहले सोचें और बाद में दूसरों की हम बाद में सोचेंगे। तो अगर आज से हम सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें, तो और उसके बाद फिर हम अपने बारे में सोचें, तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हम खुद भी तरक्की करेंगे। ये सिर्फ बात नियत की होती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया है कि उस बंद के एक इंसान है वो जाए नमाज पे बैठा हुआ है और वो मांग रहा है, हर किसी के लिए दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह पाक उसको औलाद दे दे, या अल्लाह पाक उसको सेहत दे दे, या अल्लाह पाक उसको दौलत दे दे, घर दे दे, जो भी। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि जाओ इसका वो भी काम कर दो, वो भी काम कर दो और वो भी काम कर दो, जो जो इसकी ज़रूरतें हैं वो उसकी ज़रूरतें पूरी, जाओ इसकी ये ज़रूरत उसकी पूरी कर दो। तो इससे साफ पता लगता है कि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो अल्लाह ताला हमारे सारे काम करना शुरू कर देते हैं और हमारे काम ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज के दौर में हमारे अगर स्टूडेंट से पूछा जाए, यंग जनरेशन से, यूथ से पूछा जाए, तो वो भी ये कहते हैं कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम अपने मुल्क के लिए ये करना चाहते हैं, हम अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, उसकी उसको और आगे लेके जाने के लिए हम क्या करना चाहते हैं। सबसे बड़ा रोल जिसमें टीचर्स का होता है, लेकिन कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ सब हम अपने बारे में सोचते हैं। तो आज इस जुमे के मुबारक दिन में हम अपने साथ ये अहद कर लें कि हम सबसे पहले अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, देन हमारी अपनी आती है कि क्योंकि ये मुल्क हैं तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं होगा तो फिर हम तो हैं ही नहीं, फिर वही गुलामी और वही सब कुछ। तो एक बार ज़रूर सोचिएगा और अपने घरों में रहें और खुश रहें और अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हम जितनी भी बीमारियां उन सबसे हमें महफूज रखें और जो इस बीमारी का शिकार है अल्लाह पाक उनको जल्दी से सेहत याब करके, आमीन। इसके साथ ही आज की ये वीडियो का इख्तिताम और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे फिर आपके साथ कोई अच्छी सी मोटिवेशनल स्पीच या फिर कोई मोटिवेशनल कुछ भी आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी कोई थिंकिंग शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के नाम।